भारत की आन बान शान के प्रतीक विंग कमांडर अभिनंदन आज पाकिस्तान से भारत लौट रहे हैं। पूरा देश अपने सपूत का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान आज भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर रहा है। वो वाघा बॉर्डर के रास्ते देश लौटेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल संसद में कहा, शांति के कदम के तौर पर उसने पायलट अभिनंदन की रिहाई का कदम उठाया है। पाकिस्तान की ओर से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास अंदाज में इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। आप में पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है, तो अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत बातचीत के लिए आगे आए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा था कि विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी को लेकर कोई डील नहीं होगी। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि विंग कमांडर अभिनंदन को कोई नुकसान हुआ तो भारत कड़ी कार्रवाई करेगा। विंग कमांडर अभिनंदन पर पाकिस्तान ये सोच रहा था कि वो ब्लैकमेलिंग करेगा, भारत के साथ कोई मोलभाव करेगा, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी ये हसरत धरी की धरी रही। विंग कमांडर अभिनंदन को हथियार बनाकर पाकिस्तान भारत के साथ सौदेबाजी करना चाह रहा था। पाकिस्तान ने हर तरह से छल की कोशिश की, लेकिन भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह के सामने उसे सरेंडर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए और समझिए क्यों पाकिस्तान ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान ने जनेवा कन्वेंशन तोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। इमरान खान को भारत के आक्रोश का डर था। अभिनंदन को वापस भेजने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी और पाकिस्तान को डर था कहीं भारत दोबारा उस पर एयर स्ट्राइक ना करते। भारत की मजबूत कूटनीति के चक्रव्यूह में गिर गए थे इमरान और उससे बचना मुश्किल था। अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रायोजित आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से देर रात फोन पर बात की। इस बातचीत में अमेरिका ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी मसूद अजहर पर बैन के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव दिया है। चीन, सऊदी अरब समेत किसी भी देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान पर इतने प्रहार हुए हैं कि वो बेदम हो गया और इमरान के पास भारत की बात मानने के सिवा सारे रास्ते बंद हो गए थे। असली योद्धा वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य ना छोड़े और हालात कितने भी बिगड़ जाएं संतुलन से काम ले। विंग कमांडर अभिनंदन का शौर्य, धैर्य और बुद्धि इसका परिचय देती है। शौर्य जिसकी पहचान है, धैर्य जिसकी पूंजी है और बुद्धि जिसकी साथी है। आज देश उसका अभिनंदन करने के लिए तैयार है। विंग कमांडर अभिनंदन न सिर्फ एक निडर योद्धा हैं, बल्कि हालात पर विजय कैसे पानी है उसके उदाहरण भी हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फंसे होने के बावजूद अभिनंदन ने देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन को इस बात का एहसास हुआ कि वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के इलाके में है, उन्होंने हवा में ही फायरिंग करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की। जब उन्होंने आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि पाकिस्तान की हिंसक भीड़ उनका पीछा कर रही थी। हिंसक भीड़ को डराने के लिए उन्होंने हवा में कुछ और राउंड फायरिंग की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इसके बाद वो एक तालाब में कूद गए और अपनी जेब से कुछ जरूरी दस्तावेज और मानचित्र निकाल लिए। इसमें से कुछ को उन्होंने मुंह में डालकर निगल लिया और कुछ दस्तावेजों को पानी में डुबा दिया। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज थे और अगर वो दस्तावेज पाकिस्तान के हाथ लग जाते तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इस दौरान हिंसक भीड़ उनके पास पहुंच चुकी थी और उसी भीड़ में शामिल एक लड़के ने उनसे अपनी पिस्टल छोड़ने को कहा और इसी दौरान उस लड़के ने विंग कमांडर अभिनंदन के पैर में गोली मार दी। ये दावा खुद पाकिस्तान के अखबार डॉन ने किया है। विंग कमांडर अभिनंदन बुरी तरह जख्मी थे, इसके बावजूद वहां मौजूद हिंसक भीड़ ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत का बहादुर अभिनंदन एक मिनट के लिए भी डरे नहीं और हिंसक भीड़ की यातनाओं को सहते रहे। जब पाकिस्तान की सेना ने
प्रोपेगेंडा के तहत उनके अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड किए और उनसे सवाल पूछे। उस वक्त भी विंग कमांडर अभिनंदन ने देश की सुरक्षा से जुड़ी किसी बात का खुलासा नहीं किया। पाकिस्तान भले ही भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर रहा है, लेकिन हमारे ही देश के कुछ पाकिस्तानी प्रेमी नेताओं को इससे इमरान खान की मसीहाई नजर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू भारत के वो पाकिस्तान परस्त नेता हैं जो दुश्मन को मसीहा बताते हैं। पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान हर रोज सीमा पर गोलीबारी करता है, सीज फायर उल्लंघन करता है और नवजोत सिंह सिद्धू दुश्मनों के ही गीत गाते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के फैसले पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान की तारीफ की है। सिद्धू ने अभिनंदन की रिहाई को इमरान की सद्भावना बताते हुए ट्वीट किया, हर अच्छा काम अपने लिए रास्ता तलाश लेता है। शांति के लिए इमरान खान का ये कदम करोड़ों भारतीयों के लिए खुशी लेकर आया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अभिनंदन की रिहाई के फैसले को पाकिस्तान की शांति का कदम बताया। महबूबा ने कहा कि उम्मीद है हमारा नेतृत्व भी शांति के लिए उठाए गए कदम पर विचार करेगा। उम्मीद है कि इमरान खान अपनी बात पर रहेंगे और भारतीय डोजियर पर कदम उठाएंगे। इमरान खान ने राजनेता की तरह काम किया है। एक तरफ सिद्धू और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता इमरान की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी जैसे नेता भी हैं जो अब एयरफोर्स की कार्रवाई के सबूत मांगने पर उतारू हो गई। पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बालाकोट में हवाई हमले के बाद प्रधानमंत्री ने किसी विपक्षी पार्टी से मुलाकात नहीं की। ममता ने कहा कि हम ऑपरेशन की जानकारी चाहते हैं कि जहां बम गिराया गया वहां कितने लोग मारे गए। हम विदेशी मीडिया में पढ़ रहे थे कि ऑपरेशन में किसी की मौत नहीं हुई, जबकि कुछ मीडिया ने बताया कि वहां एक की मौत हुई। हम इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं।